कुछ है यहाँ पे, कुछ चल रही है। यह है यूपी सरकार, यह चीज मेरा बिहार में एक बार जाके देखिए, यह चीज एक बार बिहार में मेरा जाके देखिए कि बेटी का कितना रक्षा होता है। बेटी लेके क्यों भाग रही हूँ रोड पे? चार दिन से मैं हर जगह गई, शिवपुर थाने से मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया गया है। ये है यूपी, ये है यूपी, ये है मोदी सरकार, ये है ये योगी सरकार, ये मिल रहा है बेटी का। मैं चार दिन से दौड़ दौड़ के इधर उधर ठोकरे खा रही हूँ। मैं फोन कर रही हूँ सभी लोग के, तो सभी लोग क्या बोलते, पहले पैसा दो। कौन बोला? मैं थाने पर भी गई तो थाने पर भी यही बात हुई है, पैसा मांगा गया। हाँ, थाने पर भी पैसा मांगा गया, मतलब पैसा मिलेगा हर जगह। तभी आज मुझे खाने के लिए नहीं है, मैं बेटी के मांग मांग के खिला रही हूँ, रोड पे फिर रही हूँ। मैं पैसा कहाँ से दे सकती हूँ, कहीं से दे सकती हूँ? मेरा जगह तो है नहीं। और जब बचा था वो लड़का कहते कि मैं बिजनेस खुलवाई कि वो मेरा इतना उनको लगता है कि कानून की किताबें लगता है पढ़े नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं बोलते हैं कि हमारा राहुल गांधी जी हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, और कांग्रेस के बाहुबली नेताओं का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि हमारे लिए एसओ और थाना इंचार्ज और तमाम सिपाहियों का नाम ले रहे हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बिहार की लड़की किसी लड़की से प्यार की, अब प्यार करने झांसा 3 साल का देने के बाद इसका 7-8 लाख रुपया ले लिया गया। 10 दिन से ये महिला पीड़ित महिला है, घर पे रही, 4 दिन उसको खेत दिया गया मारकर। ये कचहरी में रहना, यहाँ वहाँ सोना, एक महिला रहकर 4 दिन सोना, थाने में सुनवाई नहीं हो पा रहा है, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और इस पर कानून लागू करे और प्यार लोग करने वालों को जेल में भी बंद करे। अगर इस पे नया नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो इस पे सुरक्षा कड़ी से कड़ी देना चाहिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को मोदी जी देख रहे होंगे, सीएम योगी जी भी देख रहे होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपका। उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए, मेरी बेटी के अधिकार मिलना चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। मैं उन लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप रोइए नहीं, आपके साथ पूरी मीडिया की टीम है, आपको रोना नहीं है। आप साहसी हैं, देश की बहादुर बिटियां हैं, और आपके साथ न्याय होगा। कोई मैं फिर क्यों 4 दिन से रोड पे छटपटा रही हूँ? यहाँ के पुलिस वाले क्या, यहाँ के लोग नहीं हैं? यहाँ के लोग नहीं है, इतनी को लड़की लेके मैं 4 दिन से रोड पे सो रही हूँ, तो यहाँ के लोग कहाँ चले गए हैं? अगर प्यार करना इतना ही गुनाह है तो सरकार इसको बढ़ावा क्यों दे रही है? अमल है जो बोल रहे हैं, हम कांग्रेस का नेता हैं। ये कांग्रेस के नेता कौन होता है? आज तक मैं जानती नहीं हूँ कांग्रेस के नेता कौन है। अब मेरे पास कॉल बार बार कर रहे हैं, धमकी दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता हो या सपा के नेता हो, आपको डर नहीं लगता है क्या ये सब बात कहने में? आपको पता होगा कि बाबा का बुलडोजर रफ्तार में चल रहा है, बाबा का बुलडोजर रोक देगा आपको। कि अगर तुम गैस वापस नहीं लोगे तो तुमको मार देंगे हम। अब वही मेरे साथ कल हुआ, वही मेरे साथ हुआ, क्योंकि एक जेंट्स था वो मुझे मारा, इतना बुरा तरीका से मुझे मारा, यहाँ तक मुझे टर्च भी किया गया था। क्या यहाँ पे मैं बिहार के हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या अधिकार नहीं है रहने का? यहाँ शादी वादी ससुराल नहीं है मेरा, यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? क्यों, मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक आपने लिखित में दिया है कि आपके साथ लोग मिल के दुर्व्यवहार किए हैं, उसके क्या राज हैं? कौन कौन मिल के साथ आपके साथ दुर्व्यवहार? उनके बड़े वाले पापा थे, उनकी बहन थी और उनके घर वाले। हाँ, अब यहाँ जब मुझे अबॉर्शन हुआ तो यहाँ शिवपुर थाने पे शादी करवा दी गई। मैं बोली कि अगर शादी लड़का शादी के लिए राजी नहीं है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। तो सर मुझे बोले कि 2 दिन के टाइम दो, 2 दिन के बाद अगर शादी कोर्ट मैरिज हो रहा है तो सही है, अगर कोर्ट मैरिज नहीं होगा तो हम इस पर मुकदमा करेंगे। तो आज क्यों कहाँ गए शिवपुर थाने वाले पुलिस? आज क्यों नहीं मुकदमा कर रहे, क्यों नहीं ढूंढ कर आ रहे? 4 दिन से मैं रोड पे यहाँ इधर छटपटा रही हूँ, उधर छटपटा रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं कोई साथ दे रहे हैं? मैं घर गई, उनके जो बड़े पापा हैं उन लोग मुझे मारे हैं, मैं उनके घर पर गई तो क्या शादी किए तो वो घर मेरा नहीं है, वो हक नहीं है मेरा?
हक है ना मेरा, तो मैं वहाँ पर गई तो क्यों बताया जा रहा है, क्यों ताना मार दिया जा रहा है। हर एक चीज़ मैं उनको बोली थी कि आपने इतने बड़े सपने दिखाए, आपको साथ मैं इतना खर्चा क्यों, क्योंकि मैं लेडी शादीशुदा थी, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तब मैं बाहर काम के लिए निकली थी, तो मेरे हस्बैंड जो एक्सपायर हुए थे उनके थ्रू कुछ मेरे पैसा मिला था, मैं उनको बिजनेस करवाई और उन्होंने उस समय मैं वाराणसी कमिश्नर नेट पहुंच चुका हूं और यहां पे एक मामला है प्रेम प्रसंग का। फिलहाल लगातार सरकार दावा करते जा रही है प्रेम प्रसंग को बढ़ावा दे रही है, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है? प्रेम प्रसंग का मामला एक नया सामने आ गया, आपने पूर्व में भी देखा होगा और आज भी आपने देख लिया। चलिए सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, जौना जिला से रहने वाली हूँ, मैं जौना जिला से रहने वाली हूँ। दीपक नाम का एक लड़का था, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे काम के थ्रू मिले थे और उनको साथ में 3 साल रही, वो मुझे शादी के झांसा दे के रखे मेरे और रिलेशनशिप मेरे साथ बनाए, और उन्होंने रिलेशनशिप बनाए थे तो 1 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे ले जाके अबॉर्शन करवाए थे यही पंडित दीनदयाल में। आप लोग का मामला कितने दिनों से चल रहा था? पहले बात तो ये है कि आपको प्यार कैसे हुआ? फिलहाल प्यार अगर सरकार प्यार को बढ़ावा अगर दे रही है तो फिर इनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है, इस पे कड़े इंतजाम क्यों नहीं कर रही है, आखिर किसकी कमी है? हाँ तो मैडम सबसे पहले बता दीजिए आपको प्यार कहाँ से हुआ? बनारस से जी। बनारस में आप क्या करते थे? बनारस में मैं जॉब करते थे। हॉस्पिटल में फिर वहाँ पे लड़का कैसे पहुँचता है? लड़का जैसे एक मेरी फ्रेंड की बर्थडे था उसमें वो कैमरामैन मतलब था, वो कैमरा चलाने आए थे, वहीं पे मुझे मिले थे। कैमरामैन चला? हाँ कैमरा चलाते थे। कैमरे वाले से हुआ प्यार, फिलहाल आपने प्यार किया तो इसको निभाया क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि प्यार में हम तुम्हारे लिए 7 समुंदर पार चले जाएंगे, प्यार में हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, प्यार में हम तुम्हारे लिए किडनी वगैरह क्या क्या नहीं दे देंगे। जब इतने बड़े बड़े सपने आप दिखाते हो तो ख्वाब पूरे क्यों नहीं करते हो? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जब मेरे साथ अन्याय हुआ, दूसरे बार दवाई खिलाने गए तो मैं बोली नहीं खाऊंगी, मुझे शादी करना है, मुझे घर लेके चलिए। इन्होंने बोले मेरी बहन का वंदना का शादी हो जाएगा, उनकी छोटी सिस्टर है, उनकी शादी हो जाएगा तब मैं घर पे ले जाऊंगा। तो हम बोले कि नहीं ऐसे कैसे, जब मैं जब प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे घर ले चलिए, शादी करिए, मुझे घर ले चलिए शादी से करके। तो उनने बोले कि नहीं अभी नहीं, कुछ दिन बाद ले चलेंगे। हम बोले कि नहीं तो हम दवाई नहीं खाएंगे। उनने क्या बोले, फर्स्ट दवाई ला के दिए थे, मैं गुफा में उसको फेंक दी थी। फिर दोबारा क्या किए, ले कर आए वो पूरा के पूरा गोली, मैं नहीं खा रही थी, मैं वो दूध में घोल के दूध के साथ पिला दिए थे मुझे। मेरी बेटी भी गवाही है, मेरी बेटी भी बोल रही है, इनसे भी पूछ लीजिए, मेरी बेटी के सामने ही दवा। चलिए तो बच्चा होगा, बेटा तुमको कुछ याद है मम्मी को दवा कौन खिलाया था? दवा कौन खिलाया था बेटा? पापा। कैसे खिलाए थे? हैं? कैसे खिलाए थे? दूध में डाल के खोल के। झूठ नहीं ना बोल रही हो? नहीं। फिलहाल यह तो मामला जाँच का है, अब जांच भी होनी चाहिए और सत्यता से जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी अगर दोषी है। बहुत से लड़कों को मैंने देखा है कि प्यार के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बहुत सी ऐसी वीडियो देखी गई है, आपने देखा होगा कि प्यार के 36 टुकड़े कर दिया प्यार के, और प्यार का टुकड़ा तो किया ही और उसको फ्रिज में भी कई दिनों तक रखा था। जब टुकड़े कर देता है तो अब याद आता है कि मेरी प्रेमिका इस दुनिया में नहीं रही, बहुत दुख होता है और उसको प्यार तो करता ही। और उसके बाद बहुत बड़ी टिप्पणी है, आप जाके गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। आखिर प्यार इतना पवित्र तो राधा जी को भी हुआ था, प्यार इतना बड़ा रिश्ता है, इसे लोग बदनाम क्यों करते हैं? तो मैडम एक बात बताइए, फिर इसका आपने बार बार समझाने की कोशिश नहीं की कि आपने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए? हर एक चीज़ मैं उनको बोली थी कि आपने इतने बड़े सपने दिखाए, आपको साथ मैं इतना खर्चा क्यों, क्योंकि मैं लेडी शादीशुदा थी, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तब मैं बाहर काम के लिए निकली थी, तो मेरे हस्बैंड जो एक्सपायर हुए थे उनके थ्रू कुछ मेरे पैसा मिला था, मैं उनको बिजनेस करवाई और उन्होंने यहाँ लोरावीर में ऑफिस दिलवाई थी, बिजनेस करवाई थी इधर राजू टॉप। उनने बोले कि शादी तुम ही से करेंगे,
उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि शादी हम आप ही से करेंगे और शादी भी किया। हाँ, अब यहाँ जब मुझे अबॉर्शन हुआ तो यहाँ शिवपुर थाने पे शादी करवा दी गई। मैं बोली कि अगर शादी लड़का शादी के लिए राजी नहीं है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। तो सर मुझे बोले कि 2 दिन के टाइम दो, 2 दिन के बाद अगर शादी कोर्ट मैरिज हो रहा है तो सही है, अगर कोर्ट मैरिज नहीं होगा तो हम इस पर मुकदमा करेंगे। तो आज क्यों कहाँ गए शिवपुर थाने वाले पुलिस, आज क्यों नहीं मुकदमा कर रहे, क्यों नहीं ढूंढ कर आ रहे? 4 दिन से मैं रोड पे यहाँ इधर छटपटा रही हूँ उधर छटपटा रही हूँ लेकिन क्यों नहीं कोई साथ दे रहे हैं? मैं घर गई, उनके जो बड़े पापा हैं उन लोग मुझे मारे हैं, मैं उनके घर पर गई तो क्या शादी की है तो वो घर मेरा नहीं है, वो हक नहीं है मेरा, हक है ना मेरा, तो मैं वहाँ पर गई तो क्यों भगाया जा रहा है, क्यों ताला मार दिया जा रहा है? अच्छा एक बात बताइए, जिस पुलिस ने आपकी शादी कराई होगी तो आपको कुछ याद होगा चेहरा, आप तो पहचान जी? हाँ याद है, एसओ सर के सामने बात हुई है। अच्छा अभी एसओ सर का नाम कुछ याद है आपको? याद है नाम उनका? एसओ सर का नाम, उनको भी रिकॉर्ड भी है मेरे पास। अच्छा चलिए, आपके पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, जरूरत पड़ेगा तो आप प्रस्तुत कर देंगे? कर दूंगी। चलिए यह तो मामला बहुत ही गंभीर है आए दिन, और उनके मम्मा एक हैं जो बार बार कॉल कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम गैस वापस नहीं लोगे तो तुमको मार देंगे हम। अब वही मेरे साथ कल हुआ, वही मेरे साथ हुआ क्योंकि एक जेंट्स था वो मुझे मारा, इतना बुरा तरीका से मुझे मारा, यहाँ तक मुझे टर्च भी किया गया था। क्या यहाँ पे मैं बिहार के हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या अधिकार नहीं है रहने का? यहाँ शादी हुआ तो ससुराल नहीं है मेरा, यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? क्यों मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक आपने लिखित में दिया है कि आपके साथ लोग मिल के दुर्व्यवहार किए हैं, उसके क्या राज हैं? कौन कौन मिल के साथ आपके साथ दुर्व्यवहार? उनके बड़े वाले पापा थे, उनकी बहन थी और उनके घर वाले थे, उन्हीं का पूरा फैमिली है, पूरा पैटीदार के थे। मैं वहाँ पे गई थी, उन लोग ऐसे किए मेरे साथ। उनका मामा है जो बोल रहे हैं हम कांग्रेस का नेता हैं। ये कांग्रेस के नेता कौन होता है? आज तक मैं जानती नहीं हूँ कांग्रेस के नेता कौन है। अब मेरे पास कॉल बार बार कर रहे हैं, धमकी दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता हो या सपा के नेता हो, आपको डर नहीं लगता है क्या ये सब बात कहने में? आपको पता होगा कि बाबा का बुलडोजर रफ्तार में चल रहा है, बाबा का बुलडोजर रौद देगा, आपको बाबा के बुलडोजर से डर नहीं लगता? आप देख सकते हैं मैं कमिश्नर ने वाराणसी में खड़ा हूँ, कार्यालय पे खड़ा हूँ, लगता है आपको बाबा के बुलडोजर से डर नहीं है। अब आप वीडियो हमारी देख भी रहे होंगे, बाबा योगी जी भी देख रहे होंगे, पीएम मोदी जी भी देख रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपका कहाँ गया? कांग्रेस के नेता, मैंने भी रिकॉर्डिंग सुना है, उस रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ। फिलहाल इस आइडियो की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, टेक्निकल टीम ही इस वीडियो की आइडियो की पुष्टि कर सकती है। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगी पीएम मोदी से? हाँ, मुझे जो यहाँ का मोदी है और ये योगी हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए, मेरी बेटी के अधिकार मिलना चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप रोइए नहीं, आपके साथ पूरी मीडिया की टीम है, आपको रोना नहीं है, आप साहसी हैं, देश की बहादुर बिटियाँ हैं और आपके साथ न्याय होगा। कोई मैं फिर क्यों 4 दिन से रोड पे छटपटा रही हूँ? यहाँ के पुलिस वाले क्या यहाँ के लोग नहीं हैं? यहाँ के लोग नहीं है, इतनी को लड़की लेके मैं 4 दिन से रोड पे सो रही हूँ तो यहाँ के लोग कहाँ चले गए हैं? अगर प्यार करना इतना ही गुनाह है तो सरकार इसको बढ़ावा क्यों दे रही है? अगर सरकार इसे बंद करे और इस पे एक नया कानून लागू करे और प्यार लोग करने वालों को जेल में भी बंद करे, अगर इस पे नया नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो इस पे सुरक्षा कड़ी से कड़ी देना चाहिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को मोदी जी देख रहे होंगे, सीएम योगी जी भी देख रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपका कहाँ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल और भी हमारे साथ वकील साहब लोग हैं, कुछ हम इनसे इस वीडियो पर कुछ टिप्पणी करेंगे कि इस तरह के मामलों में लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ किताबों में लिखा जाता है, बड़े बड़े स्कूलों में लिखा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे भी जुड़ेंगे वकील साहब। वकील साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, इस तरह के मामलों में क्या कहना चाहेंगे? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो प्यार तो लोग मतलब कर रहे हैं, इसमें झांसा दे रहे हैं, थाने वाले सुनवाई नहीं करते इसमें। इसमें भाई लड़का वाले हमेशा मालदार पार्टी रहते हैं, वो पैसा दे के थाने पे सब मैटर को रफा दफा करा देते हैं,
तो पहली बात कि इस पर यशो साहब डीआईजी साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वकील साहब, इस तरह के केसेस में जैसे एबोशन वगैरह की जो बात आ रही है, फिलहाल अगर उन्होंने सपने दिखाए हैं कि मैं शादी तुमसे करूंगा, शादी अगर किए भी हैं, तो अगर इनको नहीं रखते हैं, इनको प्रताड़ना करते हैं दहेज को लेके या अदर जो भी जो चीज़ें हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं बिहार से हूँ, इस तरह के मामलों में किस तरह के केसेस बनेंगे? इस तरह के मान लीजिए दहेज उत्पीड़न तो बनेगा ही जी। पहली बात कि शादी भी किया इनसे जी। तो इसमें इनके साथ जो गर्भ उत्पाद किए हैं इनका जी। उसका भी केस लगेगा, चार्ज होगा उसका। तो पहली बात तो थाने वाले तो पहले इनका केस तो दर्ज कर नहीं रहे हैं, जब दर्ज करेंगे तब ना किया जाएगा, तब ना यहाँ पर ये आई हैं। फिलहाल ये देश की बहादुर बिटिया है और ये रो रही हैं, तड़प रही हैं, गिलगिला रही हैं, कह रही हैं कि चार दिन से मैं रोड पे दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। इस तरह के मामले में किस तरह के केसेस दर्ज होने चाहिए? पहली बात तो इनके साथ जी। इनके साथ धोखा किया हुआ था, धोखेबाजी का भी तो केस दर्ज होगा। और पहली बात जो जो इनको धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर भी मुकदमा किया जाए। और आपका ये जो शिवपुर यशो है, पहले उन लोग को थाने पर बुलाया, थाने पर एक बार भी आए भी नहीं है, ना थाने वालों को सुन रहे हैं। थाने पे भी फ़ोन जा रहा है तो वो कह रहे हैं हम कांग्रेस के नेता हैं, हम नहीं आ पाएंगे। और भाई धमकी दे रहे हैं यशो साहब लोगों को, भाई सरकार कब चेंज होगी? यशो साहब को भी धमकी दे रहे हैं, सबको, उनका सबको धमकी जा रहा है, कोई चलिए को। कितने बड़े नेता होंगे, आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, यशो साहब आप कर क्या रहे हैं, इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर आपके बस का नहीं है तो ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए और कह दीजिए कि हमारे बस का नहीं है। और हमारे बीच कुछ और वकील साहब लोग भी हैं, इनसे भी कुछ इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, क्या कहना चाहेंगे, सिर्फ किताबों में है या फिर दिखा दिखाई सब है? देखिए, बनारस संसदीय क्षेत्र है जी, ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है जी, और सत्ता भी उन्हीं का है जी, केंद्र में भी हैं, यूपी में भी हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहार की लड़की आके बनारस में जी, किसी लड़के से प्यार की जी, अब प्यार करने झांसा 3 साल का देने के बाद इसका 7-8 लाख रुपया ले लिया गया जी। 10 दिन से ये महिला पीड़ित महिला घर पे रही, 4 दिन उसको खेत दिया गया मारकर, ये कचहरी में रहना, यहाँ वहाँ सोना, एक महिला रहकर 4 दिन सोना, थाने में सुनवाई नहीं हो पा रहा है, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है, तभी ये महिला यहाँ पर आई है। उसमें भी कांग्रेस का नेता हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको लगता है कि कानून की किताबें लगता है पढ़े नहीं हैं जी। तो कहने का मतलब ये कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं बोलते हैं कि हमारा राहुल गांधी जी हैं जी। हम कुछ भी कर लेंगे, और कांग्रेस के बाहुबली नेताओं का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि हमारे लिए सो और थाना इंचार्ज और तमाम सिपाहियों का नाम ले रहे हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और दुर्भाग्य की ये बात है कि बनारस संसदीय क्षेत्र है और यहाँ खोना बहुत इम्पॉसिबल है, और हमारा वीडियो बहुत लोग देख भी रहेंगे, योगी जी मोदी जी केंद्र में है, योगी जी यूपी में है। एक दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की लड़की आके बनारस में ठोकरे खा रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इसीलिए मैं इस पर अपना वाणी का विराम करता हूँ, और कुछ मेरे पास कहने कुछ शब्द नहीं इस विषय पे जी। चलिए, अब हम ये चाहेंगे कि इनके साथ न्याय हो, और जो भी दोषी हो, चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो, विधायक, चाहे जो भी हो, क्या चाहती हैं? मैं जी, मेरा अधिकार चाहिए जी। कि मतलब इस मामले में क्या चाहती हैं आप, मेन पॉइंट को बताइए ताकि दर्शक आपको देखें और जो भी जनता जनार्दन है, आपके चाहने वाले लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो भी आपको बातों को सुने। मैं तो हमेशा यही कहते आई हूँ कि योगी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर मैं बेटी लेके क्यों धोक रही हूँ रोड पे? 4 दिन से मैं हर जगह गई, शिवपुर थाने से मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया गया है। ये है यूपी, ये है मोदी सरकार, ये है योगी सरकार, ये मिल रहा है बेटी का? मैं 4 दिन से दौड़ दौड़ के इधर उधर ठोकरे खा रही हूँ, मैं फोन कर रही हूँ सभी लोग के, तो सभी लोग क्या बोलते, पहले पैसा दो। कौन बोला? मैं थाने पर भी गई, तो थाने पर भी यही बात हुई है, पैसा मांगा गया। हाँ, थाने पर भी पैसा मांगा गया, मतलब पैसा मिलेगा हर जगह, तभी आज मुझे खाने के लिए नहीं है, मैं बेटी के मांग मांग के खिला रही हूँ, रोड पे फिर रही हूँ, मैं पैसा कहाँ से दे सकती हूँ?
कहीं से दे सकती हूँ, मेरा जगह तो है नहीं। और जब बचा था वो लड़का कहते कि मैं बिजनेस खुलवाई कि वो मेरा इतना प्यार देता था, इतना दुलार देता था, बोलता था कभी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लड़का छोड़ के भाग गए हैं, उसी के थ्रू उनके घर वाले मुझे धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, भाग रहे हैं। कल मैं पुलिस बुलाई, जब मारे गया मुझे, मैं पुलिस बुलाई, पुलिस वाला आया, चले गए। ये कौन सा है, कुछ है यहाँ पे, कुछ चल रही है? यह है यूपी सरकार। यह चीज मेरा बिहार में एक बार जाके देखिए, यह चीज एक बार बिहार में मेरा जाके देखिए कि बेटी का कितना रक्षा होता है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यह है यूपी सरकार। मैं तो यह पूछना चाहती हूँ बस। बेहद दुखद है, मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को लोग संज्ञान में लेंगे, इस मामले को संज्ञान में लेंगे। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।